इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। बाबा वाल्मीकि जी ने कहा, चित्रकूट गिरिवास करिए, वहां आपको सब प्रकार सुपास होगा। मनुष्य को कहां कहां रहना चाहिए इसका व्यवहार है। लाभ हो तो कहीं रहना चाहिए, जहां लाभ हो वहां कुछ बुरा भी हो तो भी रहना चाहिए। पुण्य वर्धन करना हो तो तीर्थ में रहना चाहिए। जिस इष्ट के हम उपासक हैं उसी इष्ट के धाम में रहना चाहिए। रामोपासक को अयोध्या जी रहना चाहिए और कृष्णोपासक को श्रीधाम वृंदावन रहना चाहिए। शिवोपासक को हरिद्वार अथवा तो काशी उज्जैन यहां रहना चाहिए। भगवान लक्ष्मी नारायण के उपासकों को दक्षिण में रहना चाहिए, कांची आदि तीर्थों में। जिसकी जैसी चित्त की अवस्था है उसको वहां रहना चाहिए। संसार के व्यवहार में मजबूरी चलती है, लेकिन भगवान के साथ मजबूरी नहीं, जरूरी से रहना चाहिए। बाबा वाल्मीकि जी ने कहा, चित्रकूट गिर करहु निवास, तह तुम्हार सब भांति सुपास। आपको सब प्रकार अच्छा होगा। वहां तपस्वी आप तापस्वेश विशेष कुछ गा दे, लेकिन मिला नहीं तो छोड़ दे। आई थी लहर तापस वेश विशेष उदासी, चौदह बरिस राम वनवासी, चौदह बरिस राम वनवासी। माने वर मांगा था तापस वेश अत्रि। वाल्मीकि बाबा क्या बोले, अत्रि आदि मुनि वर बहु बसहि, करहि जोर जप तप तन कसहि। अत्रि आदि मुनि श्रेष्ठ लोग वहां वास करते हैं, जोग जप करके तप पूर्वक शरीर को कसते हैं। आप चित्रकूट धाम पहुंच जाइए, आपको तप करना नहीं पड़ेगा, तप हो जाएगा। कैसे, चलते चलते दम निकल जाएगा। कामतगिरी जी की परिक्रमा, वहां पूछिए स्फटिक शिला जाना है, चले जाइए 3 किलोमीटर। गुप्त गोदावरी जाना है, चले जाइए 2 किलोमीटर पैदल पैदल, ऐसे तप हो जाएगा। और जरा ठीक ठाक शरीर वाला हो तो लौट के वापस चला आएगा। मुश्किल है ना, ये तप है। आज भी वही पर्वत श्रृंखला चित्रकूट धाम में बिगड़ा नहीं है। और भगवान भला करें उन तीर्थों का जहां कोई शहर नहीं है दिल्ली जैसा, भगवान की कृपा है। जिन जिन तीर्थों पर कोई बगल में शहर है, उन तीर्थों को लोगों ने भैया क्या बना दिया है। दिल्ली वाले रात को मौका मिलता है, सांझ का 9 बजे 4 बजे निकल जाते हैं, क्या पिकनिक मनाने, कहा वृंदावन ले ओ। पूरा पिकनिक स्पॉट बना रखा है। अरे बांके बिहारी को जरा आनंद से रहने दो भाई, दर्शन 1 मिनट करते हैं, छोला भटूरा रात भर खाते हैं। हमको भी कई बार ले गए, हमने कहा दोबारा न बोले आना है, दर्शन करने आए कि यहाँ सीताराम करने आए। जिन तीर्थों में आज तीर्थों के निकट शहर नहीं है, उन तीर्थों की गरिमा आज भी वैसे है। चित्रकूट के अगल बगल कोई शहर नहीं है, क्या कोई नहीं है, इसलिए उसकी आभा अच्छे भी वैसे है। अयोध्या जी के अगल बगल कोई शहर नहीं है, फैजाबाद का कोई प्रभाव अयोध्या जी पर नहीं दिखता है। आज भी आप जहां श्री अयोध्या में चलेंगे, दर्शन करेंगे राम जन्म पर,
सब जगह सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, ऐसा प्रभाव है। अयोध्या में गली गली भगवान नाम सुनाई पड़ता है, बधाई सुनाई पड़ती है। संत महापुरुष कह रहे थे ना, आपको कल सुनाया था, इसलिए भगवान ने भी प्रशंसा करते हुए कहा, जन्म भूमि मम पुरी सुहावन उत्तर दिस बह सरजू पावन, जा मज्जन्ते बिनहि प्रयासा मम समीप नर पावहीं वासा। ऐसी अयोध्या। कल हमारे किशन भैया पूछ रहे थे कि आप जो अयोध्या आश्रम की बात स्वामी जी कर रहे हैं, वहाँ एक सुनाया होगा ना, वो पितामह सदन निर्माण करेंगे आश्रम में, वो ये क्या मतलब? मैंने कहा जो लोग तीर्थों में वास करके भजन करना चाहेंगे उनके लिए कुटिया बनाएंगे। बोले वो तो बहुत करना चाहेंगे, बहुत महीने बर्बाद आदमी घर भाग आता है, कोई नहीं करना चाहता है। अयोध्या जी में वास करना उसी के बस का है जिसके पुराकृत पुण्य प्रभावी हो। सब तीर्थ में वास नहीं करते साहब, बस का ही नहीं है। अरे हमने देखा है कि घर से तीर्थ करने जाते हैं, घर वालों का फोन नहीं आता, ये पीसीओ पर लाइन लगाए खड़े रहते हैं, कैसे बैठे टेलीफोन करना है, घर वाले सोचे तो फोन ना आवे ये करे देते हैं। घर वाले अच्छा हुए कि महीने भर के लिए गए अयोध्या, लौट के नहीं आने वाले, अभी भजन करेंगे नहीं, 15 दिन में टिकट करा के चले आए। क्यों? श्री जानकी महल में 350 कमरे हैं और कुल 7 परिवार रहते। अरे वो चिरानिया जी बजाज साहब हैदराबाद वाले, 5 लोग और बस, कहाँ कोई रहता है? कोई रहते ही नहीं। तीर्थ वास करने के लिए पुण्य चाहिए। देखो हम आपको कुछ कह नहीं रहे हैं, एक बात कह रहे हैं, तीर्थ वास के लिए पुण्य चाहिए। अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसहि राम धनु पानी। भगवान श्री सीता राम जी जब हृदय में वास करें तब आदमी अयोध्या जी के, मथुरा वृंदावन के, काशी के, कांची के, उज्जैन के प्रभाव को जान पाता है। वो जानते नहीं, और आप जानते हैं। एक और बड़ी अद्भुत बात है, हम जो कथावाचक लोग हैं वो भी पुरी की चर्चा नहीं करते। क्यों? कोई आफत में पड़े, कोई चर्चा कर देगा तो भगत कहेगा महाराज यार हमको पुरी घुमाइए, अरे आप घुमाइए हमको आफत में न डालिए। जो बताएंगे दवा देनी पड़ेगी, तो दवा देने के लिए कौन आफत में पड़े? इन पुरियों में चले जाने मात्र का पुण्य है साहब। जीवन में जितने महापुरुषों के दर्शन नहीं, उतने एक महीने में दर्शन हो जावे, 9 दिन में दर्शन हो जावे। पैदल चलते 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 संत मिले है, मगन मन डोले करें कीर्तन, संत मगन मन आए गली गली में डोले। ऐसे तीर्थराज प्रयाग में हम आप दर्शन करेंगे, अवश्य तीर्थराज प्रयाग में जाना चाहिए। कई लोग कहते हैं बड़ी भीड़ है, अरे भीड़ नहीं तो तीर्थ किस बात का है? भीड़ तो घर में भी बहुत है, 5 लोगों के रहने का घर है, 25 लोग रहते हैं तो घर छोड़ देते हैं क्या? सब जगह भीड़ है, पूरी सृष्टि में भीड़ लगी है। तीर्थ जाने से घबराना नहीं चाहिए, टिकट टुकट पहले से करा लेना चाहिए। ऐसा भाव मेरे परमात्मा को बाबा ने कहा और प्रभु हमारे चल पड़े। भगवान चित्रकूट पहुंच गए, बाबा ने कहा चित्रकूट रघुनंदन छाए समाचार सुनी सुनी मुनि आए, आवत देखी मुदित मुनि वृंदा कीन दंडवत रघुकुल चंदा, मुनि रघुबर ही लाई उर ले ही सुफल हो आशीष दे, मुनि रघुबर ही लाई उर ले ही सुफल हो दे। मुनिदेव लोग भगवान आ करके यहाँ चित्रकूट में वास करने लगे। कैसे वास करने लगे? देवताओं को जैसे खबर चली भगवान को चित्रकूट भाग गया, बाबा वाल्मीकि जी के कहने अनुसार देवता लोग
विश्वकर्मा जी को लेकर आए और भगवान के रहने के लिए सुंदर कुटी बनाए, एक प्रभु माँ के लिए, एक लक्ष्मण भैया के लिए। लक्ष्मण पहाड़ी आज भी विराजित है वो जगह। आप प्रयाग आएंगे तो हम आपको वाहन से भेजेंगे दर्शन करने, जहाँ भगवान और मेरे प्रभु रहे माँ के साथ, भरत भैया मिले, वहाँ पत्थर आज भी पिघल गए। द्रव ही बचन सुलि कुलिस पसाना, पुरजन प्रेमन जाहि बखाना। आज भी वो जगह है। लक्ष्मण जी के एक पहाड़ी है, मेरे भगवान श्री सीताराम जी जिस टीला पर सोए वो टीला भी है। आपने देखा, इस बार देखे थे, वो टीला भी है। भगवान के अभिषेक की सामग्री जहाँ रखी गई वो भरत कूप भी है। और भारत के इतिहासकार भगवान की ऐतिहासिकता पर विचार कर रहे हैं कि भगवान हैं, रहे हैं राम जी, इनका इतिहास क्या है। अब त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग में केवल वास निवास स्थान तो प्रमाण है, कोई व्यक्ति तो होगा नहीं जो बताएगा। ये वेद पुराण जो कहते हैं उसको मानो, नहीं मानो तो जानो तुम्हारी गति होगी। भगवान आकर के यहाँ पर वास ले लिए, मुनि लोग आए, उनका स्वागत सम्मान करके प्रभु प्रणाम पूर्वक सबको विदा करते हैं। अपने अपने आश्रम में सब जा करके भजन करने लगे। इधर कोल भील निषाद जी के संदेश को पाकर भगवान के स्वागतार्थ पधारे। भगवान के चरणों में कंदमूल फलादि रखते हुए सब लोग प्रणाम करते हैं और कहते हैं, प्रभु आपको यहाँ सब प्रकार सुपास होगा, कोई कष्ट नहीं। गिर कंदरा खो हमारा सब जुहा हुआ है, जहाँ तहाँ बाघ बराह बच बरा कर हम आपको आखेट कराएंगे। निर्जर झरना गिरी पर्वत सरोवर सब हमारा गली गली खो खो खोजा हुआ है, आप एकदम डरिए नहीं और समर्पण देखिए। बोले हम सेवक परिवार समेत नाथ न सकुच आय सुदेता। राम जी वेद बचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा है, बचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक बै। भगवान अपने भक्त की हर बात उसी सहजता से स्वीकार करते हैं जैसे माता पिता अपने छोटे से अबोध बालक की कोई बात सहजता से स्वीकार कर लेते। क्यों? राम जी का स्वभाव है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा, बन चर तब तो से राम सकल बन चर तब तो से कही मृदु बचन प्रेम परिपोसे, कही मृदु बचन प्रेम परिपोसे, राम ही केवल राम ही केवल प्रेम। भगवान को केवल प्रेम से ही प्रेम है, सामान से नहीं, भोग से नहीं, सुख से नहीं, संसार के व्यवहार से नहीं, भगवान को केवल प्रेम। अरे बोध हो अबोध हो, पशु हो मनुष्य हो, सबको प्रेम प्रिय है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।